नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर से अर्जुन 555 अल्ट्रा वन का एक रिव्यू वीडियो लेके आया हूं, तो प्लीज वीडियो के अंत जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन 555 अल्ट्रा वन किसान भाइयों को महिंद्रा का सबसे पसंद आने वाला ट्रैक्टर। लुकिंग की बात करें, लुकिंग में A1 ट्रैक्टर। काम की बात करें, काम में भी A1 ट्रैक्टर। माइलेज की बात करें, सभी ट्रैक्टर में, सभी लाइन में ये A1 ट्रैक्टर है। मार्केट में इस ट्रैक्टर की ऐसी डिमांड बनी हुई है, तो अभी तक कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर 50 हॉर्सपावर का इसको फेल नहीं कर पाया। जहां पे अर्जुन चाहिए तो वहां पे अर्जुन ही चाहिए। फ्रंट की बात करें तो काफ़ी ऊंचाई के साथ आपको ट्रैक्टर मिलता है। लुकिंग की बात करें, फेमस है ये ट्रैक्टर अपने लुक के लिए, और क्रोम फिनिश के साथ आपको महिंद्रा की बैचिंग मिल रही है फ्रंट में, और इसकी जो लैंप्स आपको फ्रंट में मिलेंगे, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर लुक मिल रहा है ट्रैक्टर में। फ्रंट से ही सब बोनेट खुल जाएगा। पेंट की बात करें, मेटेलिक पेंट, एक शानदार खूबसूरत पेंट आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर की साइज़ की बात करें, इस ट्रैक्टर में 6/16, 7/5/16 का फ्रंट टायर का साइज का ऑप्शन मिलता है, और काफ़ी शानदार क्रोम फिनिश के साथ, काफ़ी शानदार डिजाइनिंग के साथ ट्रैक्टर को लॉन्च किया कंपनी ने। अभी तक कोई भी कंपनी इस ट्रैक्टर का मतलब मुकाबला नहीं कर पाई 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी का। ये आपको ट्रैक्टर देखने को मिलता है, A1 ट्रैक्टर है। इसकी लुकिंग की बात करें, लुकिंग के लिए तो अर्जुन नाम फेमस रहता है मार्केट के अंदर, किसकी अलग ही एक पहचान बनी हुई है महिंद्रा की ट्रैक्टर की। तो ये ट्रैक्टर अर्जुन से जाना जाता है, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है अल्ट्रा 1 555 DI ट्रैक्टर। बाकी इस ट्रैक्टर में आपको लोहे का टूल बॉक्स साइड में देखने को मिलेगा, यहाँ पे फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और प्लेटफॉर्म की बात करें, प्लेन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। नोवो सीरीज के अंदर जो ट्रैक्टर आता है अर्जुन नोवो, उसमें आपको प्लेन प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। कंपनी ने सभी चीज़ की डिमांड को देखते हुए ट्रैक्टर बनाती है। फ्रंट की ड्राइविंग व्यू की बात करें, काफ़ी शानदार ड्राइविंग व्यू। पीछे के लिए आपको एक मिरर भी मिल जाएगा देखने के लिए, और डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। छोटा स्टीयरिंग पर आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एरोडायनेमिक लुक के साथ इसकी बोनेट की लुक बनाई है कंपनी ने, जिससे ट्रैक्टर की बनावट और भी अच्छी मिल रही है। डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा। 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 3054 CC पावर, और गेयर सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ आपको ट्रैक्टर देखने को मिलता है। पता नहीं, काफ़ी किसान भाई इस ट्रैक्टर को सेंटर शिफ्ट देखना चाहते हैं साइड शिफ्ट के बावजूद। साइड शिफ्ट थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, पर किसान भाई को इस ट्रैक्टर में डिमांड रहती है सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स की। यहाँ पे पीसी लीवर और डीसी लीवर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कुछ चेतावनी भी लिखी है, जिससे आप कभी ट्रैक्टर चलाए जरूर इनको पढ़ के चलाएं। 2100 रेटेड RPM ट्रैक्टर में आपको रहने वाली है। ड्राई टाइप का एयर फिल्टर रहेगा, वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर की खास बात बताऊं तो इसमें सिंगल और डबल क्लच का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत कंफर्टेबल सीट आपको कंपनी प्रोवाइड करा के दे रही है, वो भी एडजस्टेबल। यहाँ पे जो आपको प्लेट मिलती है, सब कुछ जानकारी दे देती है। मॉडल नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर, PTO पावर 33.5 मैक्स की 33.5 है। वैसे इसकी इंजन PTO पावर रहती है 44.9 की। SFC 251/187 रहती है, और मैन्युफैक्चरिंग कब ये ट्रैक्टर बना है, कब सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कंपनी यहाँ प्रोवाइड करा के दे सकती है। और इस ट्रैक्टर में फुली कॉन्स्टेंट मैट्स और पार्शियल सिक्रेनोमैक्स गियर का आपको मिक्स से आपको इसको आप मिलेगा, इसका जो गियर है इसमें। और ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर की साइज़ की बात करें, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है 14/28 और 16/28 का ट्रैक्टर में। और ट्रैक्टर की बात करें तो इसकी बनावट बहुत शानदार, यूनिक डिज़ाइनिंग है इस ट्रैक्टर के पीछे की। इंडिकेटर की बात करें, जिसमें कवर के साथ इसके इंडिकेटर और भी अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे। जो इसका पीछे वाला हुक होता है वो आपको एडजस्टेबल मिलेगा, डीलर आपको ट्रैक्टर के साथ ही देगा, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। यहाँ पे पीछे की तरफ एक लाइट, पीछे की तरफ ये रोड दे दी, जिससे ट्रैक्टर का वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं रहता। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देखने को मिल जाएगा ट्रैक्टर में आपको, और डबल सेंसिंग पावर देखने मिलेगी, आप अपने इंप्लीमेंट को इस पर चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर में डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको देखने को मिलेगा। आजकल जैसे एडवांस टाइप के जैसे इंप्लीमेंट आ रहे हैं, लेजर, हैरो, कंप्यूटर, करावा वगैरह, सभी इस ट्रैक्टर से मिनी JCB आप चला सकते हैं इस ट्रैक्टर में। और काफ़ी किसान भाई अर्जुन 555 में लोडर वगैरह लगाते हैं, तो बहुत कामयाब है ये ट्रैक्टर लोडर के अंदर, भट्टे के अंदर। काफ़ी किसान भाई इस ट्रैक्टर लोडर और भट्टे के अंदर चलाते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट ट्रैक्टर रहता है। माइलेज में भी A1, काम में भी A1, मेंटेनेंस खर्चे में A1, सर्विस में बिल्कुल सबसे मिनिमम चार्ज रहता है। अगर बाकी ट्रैक्टर के कंपैरिजन में करें तो आप कभी भी करके देख लेना, एक अर्जुन का, न्यू हॉलैंड, प्रीत, किसी कंपनी का ले लेना, तो अर्जुन का मेंटेनेंस खर्चा सबसे कम रहता है। साइड लुक की बात करें, काफ़ी शानदार साइड लुक, बल्की लुक इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। चेस्ट प्लान की PTO पावर देखने को मिलेगी, 540 चक्कर जिसमें मिलेंगे, जो कि रिवर्स PTO के साथ भी देखने को मिलेंगे। 44 हॉर्स पावर किसमें आपको PTO पावर रहने वाली है, 43 HP कंपनी बोलती है, पर 44 हॉर्स पावर रहती है इस ट्रैक्टर में। 65 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी। 2125 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा, और एडजस्टेबल इस ट्रैक्टर में खास बात है, एक्सल देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर में 1850 kg इसकी लिफ्टिंग हो सकता है, पर ये ट्रैक्टर आराम से 2000 kg तक वजन उठा लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती बिना दबाव के। और दो आपको सेंसिंग बोर्ड मिल जाएंगे, और ADDC टाइप की हाइड्रोलिक देखने को मिलेगी। 2WD का इस सेक्टर में ऑप्शन रहेगा। 4x4 नोवो सीरीज के अंदर आपको 4x4 देखने को मिल जाता है। अगर आपको 4x4 लेना है तो आप नोवो सीरीज की तरफ जाइए,
उसकी लुकिंग और भी बेहतरीन है सेक्टर से भी। 2000 घंटे और 2 साल की सेक्टर में वारंटी मिलती है। अगर आप नोवो सीरीज का ट्रैक्टर लोगे तो उसके अंदर आपको 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी कंपनी देगी, जो अभी तक मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी 6 साल और 6000 घंटे नहीं देती वारंटी। सिर्फ महिंद्रा ही इकलौती अपनी कंपनी है जो 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी देती है। मुझे पर्सनली महिंद्रा बहुत अच्छी लगती है, इंडिया की नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी है। ऐसी कोई नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी नहीं बनती, काफ़ी मेहनत करके बनती है, किसान भाइयों का दिल जीतने वाली ट्रैक्टर है। अभी तक इस कंपनी ने 30 लाख से भी ज़्यादा ट्रैक्टर इंडिया के अंदर बेच लिए। और ट्रैक्टर का एक बार फिर से मैं मिनी रिव्यू कर देता हूँ। 50 हॉर्सपावर की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 3054 सीसी पावर है, काफ़ी बल्की लुक, 2100 जनरेटेड आरपीएम, 4 सिलेंडर पावर है, जिसमें बहुत सी कंपनी का इनलाइन पंप रहेगा। काफ़ी ट्रैक्टरों में भी तो काफ़ी ट्रैक्टर जो आते हैं बाकी कंपनी को, कई की कंपनी उसमें 50 हॉर्सपावर तो दे तो देती है पर सिलेंडर पावर 3 ही रखती है, पर महिंद्रा की ये सबसे खास बात है, 575 में भी 4 सिलेंडर, 585 में भी 4 सिलेंडर और अर्जुन में भी 4 सिलेंडर देती है। उसमें ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिलेगा, वाटर कोल्ड कूलिंग सिस्टम, फ्रंट में जो आपको ये जाली सी ग्रिल सी दिखती है इससे ट्रैक्टर की और भी लुक सिल्वर में आपको दिखती है, और भी लुक अट्रैक्टिव रहती है। कॉन्स्टेंट मैस और पार्शियल सिक्रेना मैस गेयरबॉक्स का इसमें मिक्सचर रहेगा। अगर आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा 8 फोर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ, ऑयल इमर्स ब्रेक, मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग का भी ऑप्शन रहेगा, 6 स्प्लाइन की पीटीओ, 44 हॉर्सपावर की पीटीओ पावर। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूर से ट्रैक्टर की लुकिंग की बात करें तो काफ़ी शानदार लुक आ रहा है। अगर किसी किसान भाई के पास ट्रैक्टर है तो कमेंट करके बताइए ट्रैक्टर कैसा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।